मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। कहान क्रमबद्ध कथा अध्यात्म युग प्रवर्तक एक वीर महापुरुष की यशोगाथा भाग एक सत्य की प्यास खोज और प्राप्ति। नमो नमोस्व आयुर्यान नमो नमोस्व उज्जयान नमो नमोस्व त्रिपालवर्ती श्रावणम। एक बार बाहर गांव के एक परिचित व्यापारी पाले जाते हैं। उनका भोजन घर में होना था, इसलिए कांजी से भागीदार कहते हैं, घर जाकर कह दो कि मेहमान जीमेंगे। उन्होंने घर जाकर मेहमान जीमेंगे ऐसा कह तो दिया, परंतु मिष्ठान बनाना ऐसी स्पष्टता नहीं की। मेहमान के साथ सब भोजन के लिए घर आते हैं, खाना परोसा जाता है, मगर मिष्ठान परोसा नहीं गया। इसलिए भागीदार ऊंची आवाज से कहते हैं, कौन कहने आया था मेहमान भोजन के लिए आने वाले हैं, ये मालूम नहीं था क्या, मिष्ठान बनाना चाहिए ना। तब उत्तर मिलता है, भगत आए थे कहने के लिए, परंतु उन्होंने खुलासा नहीं किया था कि मिष्ठान बनाना है। तो भागीदार बोले, भगत तो ऐसे ही हैं, उन्हें कुछ खबर ही नहीं। आहा, देखो तो सही, घर में रहते हुए भी और व्यापार आदि कार्य करते हुए भी उनका मन कितना अलिप्त रहता है। वास्तव में तो बाह्य किसी भी प्रसंगों में उनका मन लगता ही नहीं, उनकी अंतर्भावना कुछ अलग ही है। पालेज में एक बार सब भोजन के लिए बैठे हैं। भोजन में आचार परोसा जाता है। उन्हें विचार आता है, यह आचार कहां रखा जाता है और कहां से लाया जाता है, जरा देखूं तो सही। ये सोचकर जहां बरनी रखी जाती है वहां जाकर देखते हैं तो बरनी पर एक मैला कपड़ा लिपटा हुआ है जिस पर असंख्य कीड़े रेंग रहे हैं। ये दृश्य देखते ही उनके मन में टीस उठी, अरे अरे, जब यही बरनी खुलेगी तो ये कीड़े आचार में गिर जाएंगे और ऐसा आचार हमें खाना पड़ेगा, ये तो मांसाहार जैसा हुआ। बस उस दिन से अर्थात विक्रम संवत 1965 से 19 वर्ष की आयु से आचार खाना छोड़ देते हैं तथा रात्रि में भोजन पानी का त्याग करते हैं। वे पालेज की दुकान में ही सज्जाए माला के चार भाग पढ़ते हैं। उसकी दो बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, एक ये कि केवली आगल रह गयो कोरो और दूसरी ये द्रव्य संयम से ग्राव्यक पायो फेर पीछो पटकेओ। ये पंक्तियां पढ़ते समय मन में विचार आता है कि अहो, ये क्या कहते हैं। उनका कंठ बहुत मधुर है, इसलिए मुसलमान भाई भी कहते हैं, कांजी भाई पद गाइए। और जब वे सज्जाय माला के पद गाते तब आसपास के बहुत से लोग सुनने आते। विक्रम संवत 1965-66 यानी सन 1909-10 की बात है। पालेज स्टेशन के समीप धर्मशाला में दो साधुओं में चर्चा होती है। धर्म का रस होने से कांची भी सुनने जाते हैं। एक साधु कहता है, इस जगत और सब पदार्थों को ईश्वर ने बनाया है। तब दूसरा साधु कहता है, यदि इस जगत को ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर को किसने बनाया और कहां खड़े रहकर उसने जगत को बनाया, सब सामान कहां से लाया। फिर वो जैन लोगों से समर्थन मांगते हुए कहता है, क्यों जैनियों, ठीक है ना। वो जानता था कि जैन धर्म ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानता। ये प्रसंग भी उनकी धर्म जिज्ञासा को दिखलाता है। विक्रम संवत 1966 में एक बार 20 वर्षीय नवयुवक कांजी भागीदार के साथ दुकान पर बैठे हैं। भोजन का समय हो जाने से वे जाने की तैयारी में हैं। तब सहजी वे भागीदार से कहते हैं, इतनी ममता, मुझे तो ऐसा लगता है कि मरकर पशु योनि में जाओगे।
क्योंकि तुम्हारा इतना पुण्य तो है नहीं कि स्वर्ग में जाओ। पुण्य नहीं होने से स्वर्ग में जाने के लक्षण दिखाई नहीं देते एवं मनुष्य पुनः हो ऐसा भी मुझे दिखाई नहीं देता, और मांस भक्षण शराब जुआ आदि पाप भी नहीं करते, इसलिए नरक में भी नहीं जाओगे। बस एक पशु योनि ही बचती है। याद रखो, इतनी ममता है तो मरकर पशु बनोगे। भागीदार उम्र में बड़े हैं तो भी उनकी बात चुपचाप सुन लेते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि सभी सगे संबंधी कहते भगत जो कहे सो सुन लिया करो। वो जो कुछ भी कहते होंगे वो समझकर ही कहते होंगे। वाह, व्यापार तो कांजी भी करते थे, परंतु इतनी ज्यादा ममता या आकुलता नहीं है, जबकि भागीदार को इतना अभिमान है कि सब कुछ मैं ही करता हूं, मैं अच्छी तरह दुकान चलाता हूं, दूसरों की दुकानें बर्बाद हो गई हैं और मेरी दुकान सबसे अच्छी चलती है। दुकान के नौकर सेठ सेठ कहकर बुलाते हैं तो ये सुनकर खुश हो जाते हैं। भागीदार की ऐसी वृत्ति और व्यापार का तीव्र रस देखकर ही कांजी ऐसा कहते हैं। वे अनेक बार भागीदार से कहते, गांव में साधु आए हैं, उनके पास तो हो आओ, परंतु वो दुकान बंद करके खाता बही लिख के और सब काम निपटाकर ही रात्रि में साधु के पास जाते हैं। तब साधु कहते, रात्रिया श्रावक आया, अर्थात रात का श्रावक आया, जबकि कांजी को बाहे के सांसारिक कार्यों में रस ना होने और धर्म का रस होने से गांव में साधु को देखते ही उनके पास दौड़ पड़ते हैं। विक्रम संवत 1968 यानी सन 1912 के माघ मास में वे दुकान का माल खरीदने अंतिम बार मुंबई जाते हैं और पालेज वाले मगनलाल आरतिया के घर ठहरते हैं। खाने का वक्त होने पर वे दोनों भोजन के लिए बैठते हैं, तभी मगन भाई किसी का फोन आने पर बीच में उठते हैं। ये देखकर नवयुवक कांजी कहते हैं, तुम खाने के लिए कमाते हो फिर भी खाते समय भी शांति नहीं। इस प्रकार पालेज में विक्रम संवत 1963 से 1968 यानी 1907 से 1912 तक 5 वर्ष दुकान का व्यापार संभालते हैं। इसी बीच वैराग्य की ओर पल्ला ज्यादा से ज्यादा झुकता जाता है। उनका अंतर व्यापार बाह्य व्यापार आदि से कुछ अलग ही है। धर्म और सत्य की शोध का अंतर व्यापार मन में रहता ही है। ज्ञान के व्यापार के अभिलाषी कांजी का मन धन के व्यापार में नहीं लगा तो नहीं लगा, और उन्हें दीक्षा लेने का भाव जागृत होता है। बड़े भाई खुशाल भाई का इन्हीं दिनों विवाह होता है और कांजी के रिश्ते की चर्चा होती है, जिसके संसार का किनारा अब निकट है और जो थोड़े ही भव में मुक्ति कामनी को वरने वाले हैं, ऐसे कांजी के लिए बड़े लखपति घर की कन्या का प्रस्ताव आता है। इसलिए खुशाल भाई दुकान पर आते हैं और कहते हैं, भाई तुम्हारी सगाई करनी है, तैयार रहना। तुरंत ही राग के प्रभाव में खींचे बिना आत्मविश्वास से कांजी कह देते हैं, बड़े भैया मेरा नाम ना लेना, मेरा तो आजन्म ब्रह्मचर्य है और मेरी भावना दीक्षा लेने की है। उनकी उच्च लोकोत्तर भावना को कामिनी का माधुर्य परास्त नहीं कर सका और वे किसी भी कीमत पर अपने जीवन में स्त्री को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हुए। इस प्रकार वैराग्यमय उदासीन रस से भीगे हुए कांजी विवाह के लिए स्पष्ट शब्दों में साफ साफ मना कर देते हैं। उनके एकमात्र बड़े के रूप में बड़े भाई खुशाल भाई ही हैं और उनका कांजी पर बहुत प्रेम है, इसलिए वे उन्हें दीक्षा ना लेने के लिए समझाने हेतु प्रेम से कहते हैं, भाई अगर तुम्हें विवाह नहीं करना तो कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा, और दुकान पर ना बैठना हो तो भी कोई बात नहीं, परंतु दीक्षा मत लो, तुम उमराला में अपने घर में निवृत्ति से रहो, जो भी खर्चा लगेगा हम भेज देंगे, परंतु दीक्षा मत लो। इस प्रकार बहुत समझाने पर भी उन महात्मा के वैराग्य से भीगे मन को दुकान में घर में या संसार में रहना नहीं भाया तो नहीं भाया। अन्य सभी प्रियजन भी दीक्षा ना लेने के लिए समझाते हैं, परंतु वे अपनी भावना में अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। वे सभी को एक ही उत्तर देते हैं, भाई आप कुछ भी कहो, परंतु मुझे तो मेरी आत्मा का हित करना ही है, निज कल्याण हेतु धर्म साधना करने के लिए मुझे दीक्षा लेनी ही है। विक्रम संवत 1968
यानी सन 1912 के वैशाख माह में एक दिन 22 वर्षीय युवा कांजी अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। बहुत समय से उन्हें कुटुंब तथा धंधे व्यापार में अंश मात्र रस रहा नहीं है, इसलिए वे सब कुछ छोड़कर प्रथम अभ्यास के लिए और बाद में दीक्षा लेने के लिए दुकान छोड़ते हैं। वे सोचते हैं ये भव का अभाव करने के लिए मिला है, इसलिए अब शीघ्र ही गुरु के पास जाकर अध्ययन करना है और फिर दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करना है। अंतरंग में संसार और भोगों से विरक्ति बढ़ती जाती है, परंतु दीक्षा लेने के लिए कोई आत्मार्थी गुरु तो चाहिए ना, अतः योग्य गुरु की खोज प्रारंभ होती है। वे काठियावाड़, गुजरात और मारवाड़ के अनेक गांवों में घूमते हैं, अनेक साधुओं से मिलते हैं, परंतु कहीं मन को संतोष नहीं होता। सत्य बात तो यह है कि पूर्व भव की अधूरी रही हुई साधना से अवतरित ये महात्मा स्वयं ही गुरु होने योग्य है। अंततः बोटाद संप्रदाय के हीरा चंद जी महाराज का चुनाव होता है। वे एकदम सरल, वैरागी, निष्प्रह और शांत प्रकृति के भद्र परिणामी साधु हैं। संप्रदाय की क्रियाओं को दृढ़ता पूर्वक पालते हैं और मंद कषायी हैं, अतः यहां मन को संतोष होता है और उनसे दीक्षा लेने का तय होता है। दीक्षा लेने के पूर्व खस गांव में वे ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा देने के लिए गुरु से निवेदन करते हैं। गुरु अन्य शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं ये मोतीचंद सेठ का लड़का ब्रह्मचर्य लेना चाहता है, परंतु इसने बड़े भाई से आज्ञा नहीं ली है। तब कांजी कहते हैं महाराज मैं स्वतंत्र हूं, मुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अतः अपने संकोच होकर प्रतिज्ञा दें। इस प्रकार आत्मविश्वास पूर्वक होनहार महात्मा संसार का बंधन अच्छा नहीं लगने से कुमार वय में भरी सभा में ब्रह्मचर्य पालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। वे पाले छोड़ते हैं और गुरु के पास जाकर अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। पालियाद में 3 माह रहकर अध्ययन करते हैं। इन दिनों षटगुणी हानि वृद्धि के बोल सीखते हैं। इसके पश्चात पालेज में रहने वाले रिश्तेदारों से दीक्षा की अनुमति लेने के लिए पालियाद से पालेज प्रस्थान करते हैं। मार्ग में बोटाद रुकना पड़ता है। वहां गुलाब चंद जी नामक साधु मिलते हैं। उनके साथ चर्चा होने पर वे कहते हैं साधु के रहने के उद्देश्य से बनाए गए मकान में साधु को नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि इससे अनुमोदना की कोटि भंग होती है और एक कोटि टूटने पर सभी नव कोटि टूटती हैं। चिंतन करने पर उन्हें ये बात तो सत्य मालूम पड़ती है कि साधुओं के लिए निर्मित मकान में अर्थात उपाश्रय में साधुओं को नहीं रहना चाहिए। फिर ये सब क्या हो रहा है, सभी साधु तो उपाश्रय में ही रहते हैं, मैं भी साधु होने के बाद उसमें ही रहने वाला हूं। यदि मैं उसमें रहूंगा तो अनुमोदना की कोटि टूटेगी और एक कोटि टूटेगी तो सभी कोटि टूटेंगी, अखंड रहेगी नहीं। ऐसा सोचते हुए ऐसी इच्छा हो गई कि थोड़े समय के लिए दीक्षा लेना स्थगित करूं, परंतु तुरंत ही दूसरा विचार आता है कि ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए। ऐसा सोचकर विक्रम संवत 1969 यानी सन 1913 में राणपुर में गुरु से पूछते हैं महाराज यदि साधु उपाश्रय में ठहरते हैं तो कौन सी कोटि टूटती है। गुरु को मालूम था कि ये दीक्षा लेने वाला है, अतः प्रेम से समझाते हुए कहते हैं खुशाल भाई तुम्हारे लिए मकान बनाए और तुम उसमें रहो तो क्या आपत्ति है। उन्हें ये उत्तर ठीक नहीं लगता और उससे मन में संतोष भी नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार उपाश्रय में रहने से तो अनुमोदना होती है और अनुमोदना की एक कोटि टूटने पर सभी कोटि टूटती हैं। अतः 8 महीने तो इसी उहापोह में निकालते हैं कि क्या करना है, दीक्षा लेनी है या नहीं। मैंने दीक्षा लेने का निर्णय तो किया है, परंतु जिस पंथ में मुझे दीक्षा लेना है उसमें यदि मेरी शंकाओं का समाधान ना हो तो सत्य कहां से मिलेगा। इस प्रकार विचार मंथन खूब चलता है, लेकिन बाद में विचार आता है
कि चलो दुकान तो छोड़ी है और साथ में ब्रह्मचर्य भी लिया है, अतः दीक्षा तो ले लें। परंतु सत्य तो स्वयं को ही खोजना पड़ेगा। ऐसा विचार करके कांत जी सबकी अनुमति लेने के लिए पाले जाते हैं और वहां से उमराल आते हैं। विक्रम संवत 1970 में मत्स्य कृष्णा अमावस्या को उमराला में रघुनाथ सेठ की दुकान पर निश्चित होता है कि मत्स्य शुक्ल नवमी रविवार को दीक्षा विधि होगी। जिसकी बहुत दिनों से इच्छा थी वो दीक्षा लेने की भावना आज अनुमति मिलने पर फलीभूत होती है। फिर सन 1913 अर्थात विक्रम संवत 1970 के मत्स्य शुक्ल नवमी रविवार के दिन उमराला में 24 वर्ष की भरी जवानी में निज कल्याण की भावना से गृहस्थ जीवन को त्याग कर कांजी स्थानकवासी संप्रदाय का दीक्षा जीवन स्वीकार करते हैं। एकांत और निवृत्ति प्रेमी इस महात्मा को कहीं अच्छा नहीं लगता है, अतः निवृत्ति से धर्म साधना करने के लिए सगे स्नेही जन और प्रतिष्ठित उज्जवल गृहस्थ जीवन का उदासीन भाव से त्याग करते हैं और दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है जिसमें लगभग 2000 लोग उमड़ पड़ते हैं। उस जमाने में बड़े भाई खुशाल भाई 1800 रुपए खर्च करते हैं। दीक्षा यात्रा के लिए विशेष रूप से वल्लभीपुर से हाथी मंगाया जाता है जिस पर चढ़ते समय सीढ़ी में फंसकर उनकी धोती फट जाती है, अतः उन्हें शंका होती है कि कुछ गलत हो रहा है, पर उससे विशेष कुछ ख्याल में आता नहीं है। जिसका स्पष्टीकरण बाद में हुआ कि वास्तविक मुनिपना वस्त्र सहित नहीं होता, स्वयं के द्वारा सनातन दिगंबर जैन धर्म का प्रचार प्रसार होने का यह प्राकृतिक संकेत है। दीक्षा लेने के तत्काल बाद श्वेतांबर शास्त्रों का गहन अभ्यास प्रारंभ होता है। शास्त्राभ्यास की ऐसी धुन लगती है कि भोजन आदि शारीरिक आवश्यकताओं में समय गंवाना भी खटकता है, स्वीकार्य नहीं होता। कोई दर्शन करने आए तो भी उसके सामने नहीं देखते, मात्र अध्ययन में ही तन्मय रहते। सारा दिन उपाश्रय के किसी एकांत स्थान में अध्ययन करते दिखाई देते। शास्त्र स्वाध्याय तो उनकी खुराक बन जाती है। इस अल्प स्थिति वाले बहुमूल्य मानव जीवन में अपना हित कर लेना ही परम कर्तव्य है, यही रोम रोम में भावना उठती है। मुझे भव का अंत करना है, यही उनके जीवन का ध्येय है। भव के अभाव की बात पढ़ते या सुनते हुए वे आनंदित हो जाते हैं। दीक्षा लेने के बाद उसी माह वे जयपुर जाते हैं। वहां हलवाई का एक लड़का है, उसका नाम है भगवान, लेकिन वो बहुत भोला भाला होने से लोग उसे भगु कहते हैं और जब जब उसकी बात चले तब सब कहें भगु पशु है। इसलिए वो लड़का भी जब कांजी स्वामी के पास आता है तब कहता है, महाराज भगु पशु है। अरे इसी प्रकार अज्ञानी जीव भी शक्ति अपेक्षा स्वयं भगवान होते हुए भी अपने को पशु के समान पामर मानते हैं। गुरु हीरा चंद जी महाराज बहुत सरल परिणामी और भद्र पुरुष हैं, कभी भी ऊंची आवाज में नहीं बोलते। एक बार थकान के कारण कांजी स्वामी लेटे लेटे स्वाध्याय कर रहे हैं, तब वे बहुत प्रेम से कहते हैं, कांजी ये अपने को शोभा नहीं देता, यदि थकान लगी हो तो शास्त्र बंद करके लेट जाओ, परंतु इस प्रकार लेट कर शास्त्र पढ़ना नहीं चाहिए, इससे अविनय होती है। कांजी स्वामी प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य के अगाध प्रेमी, उनका जीवन ब्रह्मचर्य शील के अतिशय तेज से सुशोभित है। दीक्षित होने के बाद निरंतर शास्त्र स्वाध्याय करते हैं और तत्व चिंतन की धुन में मग्न रहते हैं। साथ साथ वे चारित्र का पालन भी बहुत कठोरता से करते हैं। महिलाओं की ओर कभी देखते भी नहीं, उन्हें संबोधित भी करते नहीं, उनसे शंका समाधान या बातचीत भी नहीं करते। उनके प्रति सदा अत्यंत उपेक्षा वृत्ति रहती। एक बार गुरु कहते हैं, कांजी इस बहन को शास्त्र की यह गाथा समझा दो। तुरंत ही उस बात का विनय पूर्वक निषेध करते हुए बोल उठते हैं, महाराज
इस प्रकार जिसमें स्त्रियों के साथ संपर्क हो ऐसा कुछ भी कार्य मुझे कभी भी नहीं कहना। आह, यौवन में भी कितना प्रचुर वैराग्य, ब्रह्मचर्य का कैसा अद्भुत रंग। उनके दर्शन के लिए अकेली महिला का आना तो बहुत दूर, एक से अधिक महिलाएं भी पुरुष की उपस्थिति के बिना नहीं आ सकती। ऐसा उनके उग्रशील का प्रगाढ़ रंग है। एक दिन पूर्व भव में सिंचित अंतरंग के संस्कार जागृत होकर बाहर आते हैं। बात है विक्रम संवत 1971 यानी सन 1915 में लाठी गांव की। यहां वे विशेष शास्त्राभ्यास के लिए एक दिन उपवास और दूसरे दिन आहार, इस प्रकार एकांद्रा उपवास का उपधान करते हैं एवं यहां से ही वे प्रथम बार जाहिर में प्रवचन करना प्रारंभ करते हैं। अष्टमी और पूनम या अमावस को जब लोग प्रोषद उपवास करके उपाश्रय में बैठे हों तब वे लोगों के आग्रह से प्रवचन करते हैं। एक बार वे सिंह गर्जना करते हैं, जीव स्वयं अपनी योग्यता से स्वतंत्रपने विकार करता है, कर्म या पर पदार्थों के कारण विकार बिल्कुल नहीं होता। जीव स्वयं अपने विपरीत पुरुषार्थ से विकार करता है और स्वयं के सही पुरुषार्थ से विकार का अभाव करता है। आहो, अभी दीक्षा लिए मात्र 1.5 वर्ष हुए हैं और दिगंबर धर्म के कोई भी शास्त्र हाथ में आए भी नहीं हैं, फिर भी वे ऐसी बात करते हैं। भगवती सूत्र में ऐसा आता है कि संशय स्वयं से होता है, इस कथन से वे उक्त अर्थ निकालते हैं। ये सुनते ही कायरों का हृदय कांप उठता है, परंतु उनके प्रभाव और तर्कों के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। गुरु, गुरु भाई या श्रोताओं में से कोई विरोध नहीं करते, मात्र एक सेठ विरोध करते हैं, फिर भी वो सेठ उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते। इसलिए अकेले में किसी व्यक्ति से कहते हैं, कानजी महाराज ने ये नया अर्थ कहां से निकाला, अपने हीराचंद गुरुजी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा और हम ऐसा मानते भी नहीं हैं, हम तो कर्म से विकार की उत्पत्ति मानते हैं, तो फिर महाराज ने ये नई बात कहां से निकाली, ये तो बिना डोरी की पतंग उड़ रही है, ना जाने कहां गिरेगी। आह, देखो तो वो दिगंबर धर्म में आई है ना, जो सत्य की प्राप्ति हेतु निकले हैं उनके अंतर में से ही सत्य के संस्कार अंकुरित होने लगे हैं। इसी वर्ष की बात है, स्वयं आचारांग के प्रथम भाग का पठन करते हैं, तब उसके अर्थ ऐसे विशेष रूप से करते हैं कि उनके गुरु और गुरु भाई भी सुनने बैठते हैं। गुरु भाई मूलचंद जी को आश्चर्य होता है और कहते हैं, मुझे ये भाग समझ में नहीं आता और तुम्हें आता है। इसी वर्ष वेजल का गांव में रात्रि में स्वप्न देखते हैं, उसमें ऐसा दिखाई देता है कि सारा आकाश शास्त्रों से उत्कीर्ण पाटियों से भरा हुआ है, मानो परमागम मंदिर का संकेत। अहो, जिनकी निर्मल शुद्ध ज्ञान धारा द्वारा सम्यक मोक्ष मार्ग का रहस्य उद्घाटन होने वाला है, जिनके द्वारा भरत क्षेत्र में परमागमों की प्रभावना होने वाली है, उनके मानो सहजी संकेत आने लगे हैं। भगवती सूत्र में ऐसी बात आती है कि एक साधु अपनी शक्ति द्वारा एक मनुष्य और एक घोड़े को जला देते हैं। इस संबंध में आनंदपुर गांव में अपने गुरु भाई मूलचंद जी से चर्चा होती है। गुरु भाई बोलते हैं, वो व्यक्ति जैन शासन का बैरी था, इसलिए उसे जलाया है, अतः साधु को प्रायश्चित लेने की जरूरत नहीं है। तब कांजी स्वामी बोल उठते हैं, भले वो जैन शासन का बैरी हो, परंतु जो उसे जलाया या जलाने का भाव करे वो साधु हो ही नहीं सकता, ऐसी विपरीत बात हमें मान्य नहीं। आखिर कषाय तो कषाय ही है, दोष ही है ना, इसलिए उसका प्रायश्चित भी होना चाहिए। विक्रम संवत 1972 अर्थात सन 1916 फाल्गुन शुक्ल 13-14 की रात्रि में पालियात के पास सरवा गांव में एक महत्व की घटना घटती है। उसी रात्रि में गुरु भाई से पुनः चर्चा होती है। गुरु भाई कहते हैं, केवली ने जैसा देखा होगा वैसा होगा, हम क्या कर सकते हैं, केवली ने देखा होगा तो पुरुषार्थ होगा और मोक्ष होगा। यदि उन्होंने हमारे अनंत भव देखे होंगे तो उनमें से एक भी भव घटने वाला नहीं है,
ऐसी पुरुषार्थहीन बात इससे पहले भी वे बारंबार कर चुके थे, जो पुरुषार्थ के स्वामी कांजी स्वामी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कांजी स्वामी शुरू से ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। फिर भी थोड़े समय तो वे स्वयं नवदीक्षित हैं, इसलिए चुपचाप सुन लेते हैं। लेकिन आज उन्हें ये बात सहन नहीं हुई, अतः उन्होंने दृढ़ता पूर्वक गुरु भाई से कहा, केवली ने जैसा देखा है वैसा ही होगा, ये बात तो सत्य है, परंतु केवल ज्ञान इस जगत में है, उसकी प्रतीति किसे होती है? जिसे ज्ञान स्वभावी आत्मा की दृष्टि होती है, उसे ही ऐसे प्रतीति होती है, और केवली ने उसके भव देखे ही नहीं है। जिसके अंतर में त्रिकाल और त्रिलोक को जाने, ऐसा केवल ज्ञान बैठ गया, उसके भव भगवान ने देखे ही नहीं है। आत्मा के एक ज्ञान गुण की एक समय की परिपूर्ण पर्याय वो केवल ज्ञान है, अर्थात आत्मा के एक गुण की पर्याय एक समय में तीन काल तीन लोक को जान सके, ऐसी सामर्थ्य वाली है। जिसे ऐसी सामर्थ्य की श्रद्धा हुई, उसे भव होते ही नहीं, अर्थात भगवान ने जैसा देखा है वैसा ही होगा, ये बात जिसकी दृष्टि में बैठ गई, उसके भव होते ही नहीं। यही भाव प्रवचन सार की 80वीं गाथा में भी है। जे जाने तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परियय पड़े, ते जीव जाने आत्मे ने तसु मोह पाले लय करे। अभी उन्होंने ये शास्त्र देखा भी नहीं है, फिर भी अंतरंग में पूर्व के संस्कार हैं, इसलिए इस गाथा के भाव शास्त्र पढ़े बिना ही अंतर से आते हैं। आह, दीक्षा लेने को मात्र 2 वर्ष ही हुए हैं, तो भी अंतरंग में से कैसी पुरुषार्थ प्रेरक बातें आती हैं, जो स्वयं प्रचंड पुरुषार्थ करके भविष्य में मोक्ष पंथ पर गमन करने वाले हैं और पूर्णता को प्राप्त करने वाले हैं, उन्हें पुरुषार्थहीनता की बातें कैसे रुचें? कांजी स्वामी पुरुषार्थहीनता पोषक मिथ्या वचन कभी सहन नहीं करते। वे कहते हैं, जो पुरुषार्थी है उसके अनंत भव नहीं होते, और केवली ने भी उसके अनंत भव नहीं देखे। पुरुषार्थी को भव स्थिति आदि कुछ बाधक नहीं होते, उसे 5 समवाय आकर मिलते हैं। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, यही उनका जीवन मंत्र है। आहो, धन्य हैं उनके जीवन मंत्र को, पुरुषार्थ को, शूरवीरता को। वे अपनी बात दृष्टांत देकर सिद्ध करते हैं। गज सुकुमार का ही दृष्टांत देखो ना, गत सुकुमार श्री कृष्ण के साथ नेमीनाथ भगवान के समवसरण में दिव्य ध्वनि सुनने जाते हैं। भगवान की वाणी सुनते ही अंतर से उनका पुरुषार्थ जाग उठता है, और वे भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे भगवती दीक्षा दीजिए, मैं आज ही मुनिपना ग्रहण करना चाहता हूं, और द्वारका के शमशान में ध्यान करने की ही मेरी भावना है। तो भगवान की वाणी कैसी होगी? क्या वो वाणी ऐसी होगी कि हमने जैसा देखा है वैसा ही होगा? तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। क्या ऐसी पुरुषार्थहीन वाणी भगवान की होगी? भगवान राग और अज्ञान का नाश करके वीतरागी और सर्वज्ञ हुए हैं, इसलिए उनकी वाणी में भी पूर्ण होने की ही बात आती है। अतः जिसके ज्ञान में सर्वज्ञ भगवान बैठे हैं, उसका पुरुषार्थ जागता ही है, और उसके भव भगवान ने देखे ही नहीं है। वे कहते हैं, भगवान ने तुम्हारे भव देखे होंगे, हमारे नहीं। अंतर में जिनका वीर्य उछल रहा है, ऐसे कांजी स्वामी आगे कहते हैं, भगवान ने जब देखा होगा तभी पुरुषार्थ होगा, हम क्या कर सकते हैं? ऐसी श्रद्धा हमें स्वीकार्य नहीं, और हमें ऐसी श्रद्धा वाला संप्रदाय और गुरु भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वे संप्रदाय और गुरु सब कुछ छोड़कर
उपाश्रय से बाहर जाने के लिए निकलते हैं। तब उनके गुरु हीराचंद जी महाराज कहते हैं, कान जी, यदि किसी को ऐसी श्रद्धा हो तो वह बाधक नहीं है। अर्थात यदि कोई मूर्ति को माने तो वो श्रद्धा तो बाधक है, परंतु ऐसी श्रद्धा बाधक नहीं है। तुरंत कांजी स्वामी कहते हैं, नहीं, ऐसी श्रद्धा ही बाधक है। इस प्रकार स्पष्ट कहकर वे सबको छोड़कर समीप में स्थित दूसरे गांव में अकेले चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन बड़े बड़े सेठ उन्हें मनाने आते हैं और समझाकर वापस उपाश्रय में लाते हैं। वे वापस तो आ जाते हैं, परंतु उस दिन से उनकी श्रद्धा, संप्रदाय और गुरु आदि से उठ जाती है, तथा अंतर में से आवाज आती है कि अब सत्य तो मुझे स्वयं खोजना है, अभी खोज शेष है। विक्रम संवत 1973 यानी सन 1917 का चातुर्मास दामनगर में करते हैं। एक बार शास्त्र स्वाध्याय करते समय ऐसा आता है कि यक्ष की मूर्ति की ऊंचाई तीर्थंकर की ऊंचाई जितनी है। इस विषय में शंका होती है कि क्या यक्ष की मूर्ति की तुलना तीर्थंकर के साथ हो सकती है। इसलिए गुरु भाई को अकेले में इस विषय के बारे में पूछने पर जानने में आता है, ये तो जिन अर्थात तीर्थंकर की प्रतिमा है, ये कोई यक्ष की नहीं है। परंतु हम जिन प्रतिमा को नहीं मानते, इसलिए तीर्थंकर की प्रतिमा की जगह वह यक्ष की प्रतिमा है, ऐसा लिखा है। ऐसा सुनकर कांजी स्वामी व्याकुल होते हैं। ये क्या, अंदर में कुछ मानना और बाहर में कुछ कहना? नहीं नहीं नहीं, ये पंथ सच्चा नहीं है, ये मार्ग झूठा और श्रद्धा भी झूठी है। शास्त्र में जिन प्रतिमा संबंधी ऐसा विरुद्ध निरूपण पढ़ने पर तथा सिद्धांत की विपरीतता देखकर उन पर से उनका विश्वास उठ जाता है। यहां एक और प्रसंग बनता है। संप्रदाय की परंपरा के अनुसार पात्र रंगने में तथा उसे सुखाने में बहुत समय बर्बाद होता है, जो उन्हें सहन नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। जो काम करने का मन ना हो वो क्यों करना, कैसे किया जाए? एक बार तो गुरु के सामने बोल उठते हैं, ये क्या, स्वाध्याय छोड़कर पात्र रंगना? गुरु को उनसे अगाध प्रेम, अतः अत्यंत मिठास से बोलते हैं, तो फिर पात्र रहित साधु ढूंढ लो ना। गुरु के मन में तो यही था कि क्या पात्र रहित कोई साधु हो सकता है। अहो, कौन जानता है कि विधि का ये क्या संकेत है। इन्हीं कांजी स्वामी ने कुछ समय बाद पात्र रहित कुंद कुंदाचार्य देव को खोज लिया और उनके मार्ग की प्रभावना भी की। विक्रम संवत 1974 यानी सन 1918 में अमरेली राजकोट वाले प्राण जीवन मास्टर के साथ चर्चा होती है कि आकाश के एक प्रदेश में जीव के कितने प्रदेश रहते हैं। तब कांजी स्वामी उत्तर देते हैं, आत्मा कभी संख्यात प्रदेशों में नहीं रहता, वह असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है। उसे रहने के लिए असंख्य प्रदेश ही चाहिए। हाँ, आकाश के एक प्रदेश में अनंत आत्माओं के अनंत प्रदेश रह सकते हैं, परंतु पूरी एक आत्मा नहीं रह सकती। ऐसा जब कहते हैं तब गुरु भाई बोले, ऐसा कहां से निकाला? उन्होंने कहा, निकाला क्या, ये तो वस्तु का स्वरूप है। और शास्त्र में भी देख लो ना, किसी भी सिद्धांत की गहराई में उतरकर उसके तल तक पहुंचकर तथा सूक्ष्मता से उसे परख कर ही सभा में कहने की उनकी कला कोई अलौकिक है। दीक्षा लेने के कुछ समय पश्चात उनकी आत्मार्थी वृत्ति और तर्क से वस्तु को स्वीकारने की कला आदि बहुत से सद्गुण देखकर उनके गुरु हीराचंद जी महाराज उनको सभा में व्याख्यान करने के लिए बार बार वात्सल्य भाव से आग्रह करते, परंतु कांजी स्वामी अत्यंत नम्रता परंतु दृढ़ता से कहते, महाराज, मैं व्याख्यान के लिए नहीं अपितु आत्म कल्याण के लिए आया हूं और इसलिए मैंने दीक्षा ली है। गुरु समझाने के लिए कहते, तुम सभा में बांचोगे तो तुम्हें नए नए तर्क होंगे, तुम्हें नया नया जानने को मिलेगा। वे धीरे से लेकिन दृढ़ता पूर्वक उत्तर देते, मुझे व्याख्यान के लिए नहीं कहना, मुझे तो मेरा आत्महित करना है।
इस प्रकार यद्यपि व्याख्यान करने की अनिच्छा होने पर भी जबरदस्ती लोगों के अतिशय प्रेम पूर्वक आग्रह से कभी कभी सभा में व्याख्यान करना पड़ता है। अब विक्रम संवत 1974 यानी सन 1918 में गुरु हीराचंद जी महाराज के स्वर्गवास के पश्चात गुरु भाई दीक्षा काल की अपेक्षा बड़े होने पर भी सकल संघ निवेदन करता है कि साहेब अब आप ही व्याख्यान करें। इस प्रकार उन पर व्याख्यान करने का दायित्व आ जाता है और वे प्रतिदिन नियमित रूप से सार्वजनिक व्याख्यान करना प्रारंभ करते हैं। विक्रम संवत 1975 यानी सन 1919 में कांजी स्वामी विंचिया में फरमाते हैं, अल्प ज्ञान अर्थात कम धारणा ज्ञान दोष नहीं है, परंतु विपरीत श्रद्धा और राग द्वेष ही दोष है। दोष क्या है वो ख्याल में आया? अब विक्रम संवत 1976 यानी सन 1920 के प्रसंग देखते हैं। संप्रदाय में उनकी छाप प्रभु समान है। कांजी मुनि कहे तो मानो प्रभु ने कहा, ऐसा स्वीकार किया जाता है। जोबाला गांव में रोचका वाले ऊजमशी भाई कहते हैं, महाराज आपकी बात इस तरह से आती है मानो आपके पास कोई देवी हो। उत्तर मिलता है, भाई जैसे जम्बू द्वीप के जम्बू वृक्ष में अनाढ्य नाम का देव रहता है, वैसे बहुश्रुत ज्ञानी के अर्थात सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में तीर्थंकर सर्वज्ञ देव वास करते हैं। अहो कैसी सम्यक ज्ञानी की दशा। दीक्षा के इन वर्षों में श्वेतांबर शास्त्रों का मनन पूर्वक अभ्यास करते हैं, भगवती सूत्र का अध्ययन 17 बार करते हैं। ये सब अध्ययन करते हुए भी उनका लक्ष्य तो सत्य की खोजी है। इस वर्ष का चातुर्मास अधिक माह होने से 5 महीने का है। दामनगर में इन 5 माह में श्वेतांबर के 45 आगमों का टीका सहित विचार पूर्वक अध्ययन करते हैं तथा 7 से 8 हजार श्लोक कंठस्थ करते हैं। एक बार तो एक दिन में 10 हजार श्लोक पढ़ लिए। प्रतिदिन 10-10 घंटे स्वाध्याय करने पर भी जिस परमार्थ सत्य की खोज में हैं, वो अभी तक मिला नहीं। यहां पर दामोदर सेठ कहते हैं, जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है तब तक ही मूर्ति पूजा होती है। सम्यक दर्शन होने के बाद मूर्ति पूजा नहीं होती। स्थानक वासी संप्रदाय मूर्ति को नहीं मानता, इसलिए वे ऐसा कहते हैं। कांजी स्वामी कहते हैं, नहीं, सम्यक दृष्टि को ही सच्ची मूर्ति पूजा होती है, मिथ्या दृष्टि को नहीं। क्योंकि एक, मूर्ति स्थापना है। दो, स्थापना निक्षेप का भेद है। तीन, निक्षेप नए का विषय है, अर्थात जिसे नए होता है उसे ही निक्षेप लागू पड़ता है। चार, नए भावश्रुत ज्ञान का भेद है। और पांच, भावश्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं। इसलिए सच्ची मूर्ति पूजा सम्यक दृष्टि को ही होती है। वे सदा तर्क और बुद्धि की कसौटी पर निरंतर सत्य की परख करते हैं। एक बार दामोदर सेठ सूचन करते हैं, आप विकार की उत्पत्ति में जीव के पुरुषार्थ का बहुत आग्रह रखते हैं, तो जीव के पुरुषार्थ का 51% और कर्म का 49% रखिए। तब वस्तु स्वरूप का अटल नियम समझाते हुए काजी स्वामी कहते हैं, नहीं नहीं, विकार होने में कर्म का 1% भी योगदान नहीं है, जीव के पुरुषार्थ का ही 100% योगदान है। अपना कार्य करने में 100% पुरुषार्थ जीव का जीव में है और कर्म का कर्म में है। जीव का 1% भी पुरुषार्थ कर्म में है या कर्म का 1% भी योगदान जीव में है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आहो, स्वयं के अंतरपट में से कैसे अद्भुत सत्य सिद्धांत स्फुटित होते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे पूर्व भव के संग्रहित संस्कार अनेक प्रकार से बाहर आते हैं और साथ ही अंतरंग में सत्य की शोध उग्र होती जाती है। कोई जीव साधु को आहार दे तो उसका संसार टले, ये बात ठीक है ना? ऐसा प्रश्न विक्रम संवत 1977 यानी सन 1929 में गोंडल में उनसे पूछा जाता है।
उत्तर देते हुए वे कहते हैं, भाई हम संप्रदाय में हैं, इसलिए क्या कहें, नहीं तो तीर्थंकर को रोग होता है, वे दवा लेते हैं और साधु को आहार देने से भव नष्ट होते हैं आदि ऐसी सभी बातें सत्य नहीं है। इसी वर्ष बोटाद में पोरबंदर के एक भाई कहते हैं, तेथी देह एकच धारी ने जाशु स्वरूप स्वदेश रे। इस पंक्ति में श्रीमद राजचंद जी कहते हैं कि मैं एक भव में मोक्ष जाने वाला हूं। तो श्रीमद जी छद्मस्त थे और गृहस्थ आश्रम में थे, फिर भी ऐसी बातें करते हैं, क्या पंचम काल का गृहस्थी जीव ऐसा जान सकता है? उसका समाधान करते हुए वे कहते हैं, अरे आत्मा नहीं जान सकता, ये प्रश्न ही नहीं है, भगवान आत्मा सब कुछ जान सकता है, मते ज्ञान द्वारा उपयोग लग जाए तो आत्मा इतना सब कुछ जान सकता है कि केवल ज्ञान कब होगा। अतः श्रीमद जी ने जो कहा है वो सत्य है, भाई आत्मा के ज्ञान का कितना सामर्थ्य है ये बात लोगों को मालूम नहीं है। इसी साल बांकानेर में एक अद्भुत प्रसंग बनता है, यहाँ पर सर्वप्रथम ओंकारमय दिव्य ध्वनि की गूंज उन्हें सुनाई पड़ती है। ये क्या है, किसकी आवाज सुनाई दे रही है, वो कुछ समझ में आता नहीं है। तदुपरांत दीक्षा लेने के बाद स्वप्न में अलौकिक दृश्य दिखाई देता है, उसमें एक पतला सा ऊंचा देह वाला और झरी वस्त्रधारी राजकुमार बारंबार दिखाई पड़ता है, पर वो कौन है ये समझ में नहीं आता, और कभी कभी तो मैं तीर्थंकर हूं ऐसा भी अंदर से आता है। सो स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते और गहरे विचार में उतर जाते कि मैं तो मनुष्य हूं, फिर भी ये क्या हो रहा है, इन सब बातों का कुछ भी मिलान होता नहीं है, उत्तर मिलता नहीं है और समझ आती नहीं है। फिर सन 1937 अर्थात संवत 1993 में वैशाख कृष्ण अष्टमी के दिन पूज्य बहन श्री को सोनगढ़ में जाति स्मरण ज्ञान होते ही सब बातों का मिलान हो जाता है कि श्री कांजी स्वामी पूर्व जन्म में महाविदेह क्षेत्र में राजकुमार थे और भविष्य में धात की खंड में तीर्थंकर होने वाले हैं। इस प्रकार दीक्षा लिए हुए 7 वर्ष बीतते हैं। इन 7 वर्षों में श्वेतांबर ग्रंथों का बहुत अभ्यास होता है, जैसे जैसे अध्ययन होता है वैसे वैसे अंतरंग में अनेकानेक शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं, परंतु उत्तर मिलता नहीं, समाधान होता नहीं। स्वयं का स्वभाव भी ऐसा कि तर्क की कसौटी पर खरा उतरे बिना कोई बात मानना नहीं, पहले तर्क और बुद्धि की कसौटी पर तथ्यों को कसते फिर मानते, न्याय विवेक बिना मात्र अंधश्रद्धा से कोई बात नहीं मानते। अतः मन में उठने वाले प्रश्न अनुत्तर ही रहते हैं और इसीलिए सत्य की प्राप्ति की जिज्ञासा उग्र से उग्रतर होती जाती। ज्ञान पिपासा के साथ साथ वे संप्रदाय का परंपरागत चारित्र पूरी कठोरता से पालते हैं, उनके लिए बनाए गए भोजन का एक दाना तथा पानी की एक बूंद भी नहीं लेते हैं। शास्त्रीय नियमों के अनुसार निर्दोष आहार पानी ना मिले तो वे उपवास कर लेते हैं। सभी को उन्हें आहार देने की प्रबल भावना रहती है, परंतु आहार के समय जरा सी भी भूल हो जाए तो वे आहार नहीं लेते हैं। संप्रदाय के साधु जीवन में उन्हें मात्र शास्त्राभ्यास और तत्व विचार की ही लगन है, इससे उनकी दशा बाह्य प्रसंगों से इतनी उदासीन रहती है कि सरस नीरस आहार के प्रति भी लक्ष्य नहीं रहता। वैसे तो वे सामान्यतः सादा और निर्दोष आहार ही लेते हैं, उनका जीवन आत्मा विमुख और जगत से अत्यंत उदास है। उनकी इस ज्ञान वैराग्यमय दशा से प्रभावित हुए भक्तों को इतना भक्तिभाव उछलता है कि आहार के समय घर घर पर भक्तों की टोलियां उमड़ पड़ती हैं और आतुरता से उनके पधारने की प्रतीक्षा करती हैं। जब वे आहार लेने के लिए पधारते तब पधारो पधारो ऐसा कहकर भक्त आहार दान का लाभ देने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिसके यहाँ वे आहार लेते हैं उसे ऐसा आनंद होता है मानो आज आंगन में कल्प वृक्ष आया हो। वे भक्तों के हृदय सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, भक्तों को उनके प्रति अत्यंत भावभीना बहुमान है, फिर भी वे उससे बिल्कुल निष्प्रह और उपेक्षा वृत्ति वाले हैं। एक के बाद एक इस प्रकार अनेक गांव में विहार यात्रा करते हैं। विहार करते करते भी
संप्रदाय की रीति के अनुसार प्रत्येक क्रिया का पालन चुस्ती से करते हैं। इससे ही उनकी ख्याति की सुगंध दिनों दिन चारों तरफ फैलने लगती है। उनकी प्रखर आत्मार्थी वृत्ति, तीव्र ज्ञान पिपासा और उग्र आचरण की ख्याति संपूर्ण सौराष्ट्र में इतनी फैल जाती है कि लोग आदर से काठियावाड़ के कोहिनूर के रूप में प्रशंसा करते हैं। वे जहां भी जाते हैं वहां लोगों की टोलियां उनके दर्शन करने, उनका प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़ती है। भक्त लोग उन्हें प्रभु तुल्य मानते हैं और पूछते हैं। इतनी प्रचुर प्रसिद्धि और प्रभाव के बीच भी उन्हें जिस सनातन सत्य की खोज है वो अब तक प्राप्त नहीं होने से अविरत उल्लसित वीर्य से उसकी खोज करते ही रहते हैं। सत्य प्राप्ति के लिए विचार मंथन निरंतर चलता रहता है। संप्रदाय के शास्त्रों में आने वाली विपरीत बातों से मेल बैठता नहीं है और अनेक सैद्धांतिक प्रश्न उठते हैं, उनका उत्तर मिलता नहीं है। इसलिए उन्हें अंतरंग में खटक रहा करती है कि मुझे जो चाहिए, जो प्राप्त करना है, वो ये नहीं है। कोई भी कार्य करते समय उनका झुकाव सत्य की शोध के प्रति ही रहता है। फिर भी वे जिस सत्य को खोज रहे हैं वो मिला नहीं है, और जो उन्हें मिला है उसमें सत्य भासित होता नहीं है, उससे शंकाओं का समाधान होता नहीं है। अतः खूब चिंतन मनन चलता है, कहीं चैन नहीं पड़ता, तो भी थके हारे बिना और निराश हुए बिना उत्साह पूर्वक सत्य की खोज चालू ही रखते हैं। परंतु ये भी सही है ना कि जहां सत्य की सच्ची भावना है वहां उसकी प्राप्ति भी होती है। यदि सच्ची भावना हो तो फले बिना रहती ही नहीं, प्रकृति भावना के साथ बंधी है। यदि तीव्र जिज्ञासा जागृत हो अर्थात सच्ची लगन हो तो वस्तु प्राप्त होती ही है। तो फिर सत्य को पाने की सच्ची लगन लगी हो और वो प्राप्त ना हो, ऐसा कैसे बने? भारत के अनेक भव्य जीवों के महापुण्योदय का सूचक और वीर शासन के उद्धार का एक पवित्र प्रसंग कांजी स्वामी के जीवन में बनता है, जो उनकी जीवन दिशा और समग्र जीवन ही बदल देता है। उनके जीवन के 32वें वर्ष में अर्थात सन 1922 संवत 1978 के फाल्गुन माह में प्रकृति की कोई धन्य घड़ी में दामनगर में दामोदर सेठ ने पूर्व भव के प्रबल संस्कारी कांजी स्वामी के कर कमलों में समयसार नामक महान शास्त्र भेंट किया, जिसे भरत क्षेत्र में प्रवर्तन करने का सौभाग्य कांजी स्वामी के भाल पर लिखा हुआ है। ऐसे भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ श्री कुंद कुंदाचार्य देव रचित ग्रंथाधिराज श्री समय सार महाभाग्य से प्राप्त होने पर तथा पढ़ते ही उनका आत्मा अंतर से पुकार उठता है और सहजी हृदय उद्गार निकल पड़ते हैं। सेठ, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, अहो पूर्णता की कैसी ध्वनि गूंजती है। आहा, जो चाहिए था, जिसे पाने की अंतर में गहरी तड़प रहती थी, दुखों से मुक्ति के जिस यथार्थ मार्ग की खोज दिन रात चलती थी, वो प्राप्त होने पर अंतर में अपूर्व आनंद होता है। क्यों ना हो, क्या प्यासे को अमृत पान करने पर और भूखे को भोजन मिलने पर तृप्ति नहीं होती? भव का अंत करना है, ऐसा ध्येय बनाकर निर्दोष पराक्रमी दीक्षा जीवन बिताने वाले कांजी स्वामी अब किसकी राह देखेंगे? सुबह एक बार व्याख्यान करके और आहार लेकर वे समय सारजी के हर एक वाक्य में और पंक्ति में भरे हुए अमृत का पान करने के लिए प्रतिदिन गांव से बाहर चले जाते हैं। वहां एक गहरे गड्ढे में बैठकर एकांत में स्वाध्याय करते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं। समय सार का ये अध्ययन एक अलौकिक अनुभव है। उनके अंतरचक्षु समय सार में लबालब भरे हुए अमृत के सरोवर को ढूंढ लेते हैं। एक के बाद एक गाथा का गहन अभ्यास करते जाते हैं और घूंट भर भर कर भव भ्रमण नाशक अमृत पीते जाते हैं। अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से भरपूर इस परमागम के एक एक वाक्य में भरे हुए अपूर्व और अलौकिक चैतन्य भाव को वे अपने ज्ञान बल से बाहर निकालते हैं और अंतरात्मा में उतारते हैं। उनका आत्मा आनंद से उल्लसित होता है, नाच उठता है, उनके हर्ष का पार नहीं रहता। जैसे जौहरी की नजर हीरे की चमक को परख लेती है, वैसे ही वे समय सार में गूंथे गए स्वानुभूति के गहरे और गंभीर भावों को पहचान लेते हैं और उनमें कहे गए भावों का गहन मंथन करते हैं।
समय सार पढ़ते समय ही अंदर से भासित होता है कि पर्याय क्रमबद्ध होती हैं। समय सार की प्रस्तावना में ऐसा आता है कि ये शास्त्र प्रमाणित है, क्योंकि श्री कुंद कुंदाचार्य महाविधेय क्षेत्र में गए थे और वहां से ये बात लाए हैं। श्री कुंद कुंदाचार्य के विधेय गमन संबंधी ये उल्लेख पढ़ते ही उनके आत्मा में पड़े हुए भूतकाल के संस्कार झंझना उठते हैं और इस तथ्य की सहज स्वीकृति अंतर की गहराई से हो जाती है। तुरंत ही उस वाक्य को रेखांकित करते हैं, यद्यपि उस समय विशेष कुछ ख्याल में आता नहीं, फिर भी पूर्व के संस्कार है ना, इसलिए सहज ही ऐसा होता है। अब अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे मिलने लगता है, शंकाओं का समाधान होने लगता है और प्रतीत होती है कि सत्य इसमें ही है। समय सार की तर्कबद्ध और स्वानुभव पूर्ण बातें सत्य की कसौटी पर खरी उतरती हैं। समय सार के गहन अध्ययन से उनके अंतर जीवन में पूर्ण बदलाव होने लगता है, परम पवित्र परिवर्तन होता है, भूली और भटकी हुई परिणति निजघर देखती है। ज्ञान का प्रवाह ज्ञान समुद्र ज्ञायक की ओर बहता है, उनकी ज्ञान कला अब अपूर्व रीति से खिलती है, ददीप्यमान होती है। इस प्रकार भरत क्षेत्र का केवल ज्ञान रूपी सूर्य समय सार उन पर अद्भुत अपूर्व अलौकिक अनुपम और अचिंत्य उपकार करता है। इस शताब्दी में भारत भर में समय सार की महिमा गूंजती है, ये वास्तव में कांजी स्वामी का ही असाधारण प्रताप है। इसके बाद तो एक के बाद एक दिगंबर शास्त्र मिलने लगते हैं। इसी वर्ष प्रवचन सार ग्रंथ मिलता है, जिसकी 80वीं गाथा का भाव बिना पढ़े विक्रम संवत 1972 में ख्याल में आया था। फिर अष्टपाहुड़ मिलता है और बोटाद में सम्यक ज्ञान दीपिका मिलती है। वे प्रत्येक ग्रंथ का गहन अभ्यास करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रवचनों में अनेक सैद्धांतिक रहस्यों का उद्घाटन होने लगता है और उनकी ख्याति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगती है। इसी वर्ष अर्थात विक्रम संवत 1978 में जन्मधाम उमराला में कांजी स्वामी को फिर से दूसरी बार ओंकार ध्वनि सुनाई देती है। ज्येष्ठवदी अष्टमी को विंछिया में ओंकार नाद सुनाई पड़ता है। पहले पूर्ण ओंकार आता है और बाद में अर्ध ओंकार सुनाई पड़ता है, साथ में 12.5 करोड़ वाद्यों की आवाज भी सुनाई देती है। स्थानकवासी संप्रदाय ओंकार को नहीं मानता, अतः उन्हें आश्चर्य होता है कि ये क्या है। वे नारायण भाई से पूछते हैं, ये क्या सुनाई दिया। नारायण भाई तर्क वाले होने से तुरंत कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम भगवान के पास से वाणी सुनकर आए हो। पूर्व भव में साक्षात दिव्य ध्वनि सुनी थी, उसकी ही गूंज सुनाई पड़ी ना। इसी वर्ष की बात है, चूड़ा में प्रवचन के उपरांत एक सिपाही पूछता है, जैसा आप कहते हो वैसा यदि सभी करने लगे तो फिर ये संसार के काम कौन करेगा। समाधानकारी उत्तर मिलता है, जिसे करोड़पति बनना हो वो ऐसा नहीं सोचता कि मेरे जैसे सभी करोड़पति हो जाएंगे तो बर्तन साफ करने वाला कौन रहेगा। कितना न्यायपूर्ण उत्तर। विक्रम संवत 1979 यानी सन 1923 में रानपुर में गुरु भाई मूलचंद जी कहते हैं, जीव मोह कर्म के क्षोपशम से स्वर्ग में जाता है। तब वे कहते हैं, नहीं, मोह कर्म के क्षोपशम से तो सम्यक दर्शन होता है, जीव स्वर्ग में तो मोह कर्म के उदय से जाता है। साधु होने पर भी गुरु भाई को इन बातों की खबर नहीं थी। इसी वर्ष अमरेली में हंसराज भाई कामाणी कहते हैं, शास्त्र में आत्मा के असंख्य प्रदेश कहे हैं, वो कल्पना है। उन्हें उत्तर मिलता है, नहीं, ये कल्पना नहीं है, यथार्थ है। आत्मा के प्रदेश असंख्य ही हैं और इसी प्रकार आकाश के प्रदेश अनंत ही हैं, परंतु एक पने की अपेक्षा अनेकपना अर्थात प्रदेश भेद को व्यवहार कहते हैं, इसलिए वो कल्पना नहीं है। उस समय लोगों की ऐसी मान्यता थी कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, इसलिए हमें सम्यक दर्शन तो है ही, अब चारित्र लेना बाकी है। इस मान्यता का खंडन करते हुए वे विक्रम संवत 1980 यानी सन 1924 में बोटाद में कार्तिक सुदी तेरस के प्रवचन में कहते हैं, कदाचित अधिक ज्ञान ना हो परंतु आत्मा की सच्ची श्रद्धा हो तो वो संक्षिप्त रुचि है, परंतु संप्रदाय में जन्मे हैं इसलिए हमें सच्ची श्रद्धा और संक्षिप्त रुचि है ऐसा नहीं है।
ऐसी न्यायपूर्ण सुंदर बात भी उनके गुरु भाई को पसंद आती नहीं है। तदुपरांत प्रवचन में ऐसा भी कहते हैं, आत्मा का अनुभव करना ही एकमात्र कर्तव्य है और राग आत्मा का विभाव है। ये बात सुनकर एक श्रोता कहता है, ये बात कहां से निकाली? जैन धर्म में अनुभव करने की बात तो होती नहीं है, और ये विभाव क्या होता है? लो, अनुभव और विभाव जैसे शब्दों की खबर भी संप्रदाय के लोगों को नहीं है। इसी वर्ष एक विद्वान से पूछते हैं, संजोगी केवली का क्या अर्थ है? उत्तर मिलता है, समजोगी केवली। तब कांजी स्वामी कहते हैं, भाई ये संजोगी शब्द ही गलत है। संजोगी केवली कहा नहीं जाता, संयोगी केवली कहा जाता है। इस प्रसंग से मन में निर्णय होता है कि ये तत्व ज्ञान कोई पंडिताई या भाषा ज्ञान का विषय नहीं है, ये तो गुरु संग से जानकर समझकर अनुभव करने योग्य है, मात्र अनुभव का विषय है। विक्रम संवत 1981 यानी सन 1925 का चातुर्मास गड़दा गांव में करते हैं। यहाँ काशी में पड़े हुए हंसराज भाई कामाणी कहते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभ शम से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है। तुरंत ही प्रबल पुरुषार्थ के प्रेरक कांजी स्वामी कहते हैं, नहीं नहीं, लाख बात की बात, कर्म से ज्ञान का क्षोभ शम नहीं होता, जितना पुरुषार्थ करे उतना ही ज्ञान प्रकट होता है। इसी वर्ष एक भाई पूछते हैं, महाराज धर्म में पैसे वाले का कोई अधिकार या स्थान है या नहीं? उनका धर्म में कोई अधिकार है या नहीं? उत्तर, नहीं, उनका स्थान या अधिकार बिल्कुल नहीं है। संयोग की ममता वालों का स्थान स्वभावमय धर्म में कैसे हो सकता है? कहान क्रम बद्ध कथा की वीडियो सीडी के लिए कृपया संपर्क करें श्री कुंद कुंद कहान पारमार्थिक ट्रस्ट, 302 कृष्णा कुंज, प्लॉट नंबर 30, नवयुग CHS लिमिटेड, VL मेहता मार्ग, विलेपाले वेस्ट, मुंबई 400056। तीर्थधाम मंगलायतन, अलीगढ़ आगरा हाईवे, सासनी 204216, अलीगढ़ UP इंडिया। हेमंत ए गांधी, लाठी उतारा, सोनगढ़ 364250, डिस्ट्रिक्ट भावनगर, गुजरात। श्री दिगंबर जैन मुमुक्ष मंडल, 29 गांधी रोड, देहरादून 248001, उत्तरांचल। डॉक्टर किरिट पी गोसलिया, 14853 नॉर्थ 12 स्ट्रीट, फिनिक्स, एरिजोना 85022, United States of America. Mr. Hasmukh M. Shah, 304 Tall Oak Trail, Tarpon Springs, Florida 34688, United States of America. Dr. Dinkar M. Shah, President, Shri Digambar Jain Association, 1 The Broadway, Wheelstone, Harrow, Middlesex, HA37EH, United Kingdom. Mr. Praful D. Raja, Kublantra Limited, Postbox 41619, Nairobi, Kenya.